नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है सिक्किम में, भयंकर से अति भयंकर तबाही। अचानक बाढ़ आने से 25 जवान लापता हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम में लैनहोक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई है। घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान प्रभावित हुए हैं और अधिक विवरण का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फुट की ऊंचाई तक दोस्तों जल का स्तर बढ़ गया है। इससे सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन प्रभावित हुए हैं। 25 जवानों के लापता होने की सूचना है। कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबे होने की खबर भी सामने आ रही है। रक्षा पीआरओ के मुताबिक उत्तरी सिक्किम में लैनहोक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई है, जिसके चलते 25 जवान लापता हो गए हैं। वाहन भी दोस्तों कीचड़ में डूब गए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑप्शन चलाया जा रहा है। वहीं दोस्तों रक्षा पीआरओ के मुताबिक चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण लगभग 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर जल स्तर दोस्तों अचानक से बढ़ गया है, जिसके चलते 25 जवान लापता हो गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिंगताम में स्थिति का जायजा लिया। वह भाजपा नेता उगियन सेरिंग ग्यात्सो भूटिया ने कहा कि सिंगताम में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सिक्किम से, जहां पर अचानक से बादल फट गया है और तिस्ता नदी के अंदर भयानक बाढ़ आ गई है। अचानक आई बाढ़ के चलते सेना के वाहन दोस्तों कीचड़ में दब गए हैं। 25 जवान लापता हो गए हैं, जिन्हें दोस्तों ढूंढने का काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक की सबसे बड़ी बेहद बुरी